बिप्लब देव जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे मिले हैं हरियाणा लोकहित के सिरसा से विधायक गोपाल कांडा। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी का पहले दिन से ही समर्थन है सरकार को। कल बिप्लब देव से मिले थे प्रदेश के 4 निर्दलीय विधायक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिप्लब देव और विधायक गोपाल कांडा की बैठक खत्म हो गई है, ये बड़ी खबर। दिल्ली में करीब 1.5 घंटे हुई है दोनों नेताओं की मुलाकात, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का पहले दिन से बीजेपी को समर्थन है। कल बिप्लब देव से मिले थे प्रदेश के 4 निर्दलीय विधायक। बिप्लब देव और विधायक गोपाल कांडा की बैठक खत्म हो गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में ये मुलाकात चली है, मुलाकात जो है वो चली है, काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात। कल बिप्लब देव से प्रदेश के 4 निर्दलीय विधायक मिले थे और अब स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि सरकार क्या चाहती है, भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है। क्योंकि जिस तरीके से मुलाकातों का ये सिलसिला चल रहा है, बीजेपी और जेजेपी में जो खींचतान, उसी के बीच ये मुलाकात होना काफी अहम है। अरुण कौशल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस मुलाकात के बारे में, क्योंकि कल भी 4 निर्दलीय विधायक हरियाणा बीजेपी के प्रभारी से मिले और आज सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की मुलाकात हरियाणा बीजेपी के प्रभारी के साथ। अरुण, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बैठक के बाद, इस मुलाकात के बाद विधायक गोपाल कांडा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का तो पहले दिन से ही समर्थन है। कल बिप्लब देव से 4 निर्दलीय विधायक मिले थे और आज हलोपा सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने भी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव से मुलाकात की है। दिल्ली में करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। और जिस तरीके से उनका बड़ा बयान भी सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी पार्टी का पहले दिन से ही समर्थन है। और इन मुलाकातों के सिलसिले को देख करके जो प्रदेश में सियासी हालत बन रहे हैं, जो सियासी स्थिति परिस्थिति बदल रही है लगातार, उसको लेकर के समझा जा सकता है। अरुण कौशल हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस मुलाकात के बाद, क्या कुछ कहा विधायक गोपाल कांडा ने? देखिए, गोपाल कांडा जी के साथ जो विपुल देव जी की मीटिंग थी वो काफी समय से चली, मतलब काफी लगातार ये 1.5 घंटे से 2 घंटे तक बीच ये मुलाकात रही है, काफी अहम मुद्दों पर जो है। और गोपाल कांडा जी ने आप बोला है कि जो उनका पहले दिन से ही जो मेरा साथ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो जेजेपी के बिना भी जो है बीजेपी चल सकती है और पूरे तरीके से बीजेपी के साथ है। पहले दिन से ही मैं तो ये उनका कहना है पर्सनल की मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे तरफ से ये कहना है कि पहले दिन से ही मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिना जेजेपी के जो है बीजेपी की सरकार चल सकती है। बिल्कुल अरुण, लेकिन क्या इसी बात को लेकर के चर्चा यहाँ पर हुई है मुख्य रूप से, जो बीजेपी जेजेपी के नेताओं में जो बयानबाजी चल रही है, क्या उसी को लेकर के चर्चा की गई है? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि चर्चा काफी और भी बिंदुओं पर की गई है, जैसे प्रधानमंत्री द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे लेकर बात की गई है, किस तरीके से उनकी नीतियों को लाया जा सकता है, अपनाया जा सकता है और किस तरीके से देश और प्रदेश में जो है विकास कार्य किए जा सकते हैं, इन मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। उसके बाद जो है 9 साल के जो काम बीजेपी के हैं उनको पब्लिक के बीच कैसे लेके जाया जाए, ये सारे तमाम मुद्दों को लेकर है जो बात की गई है। जी, और मुलाकात के बाद क्या बीजेपी प्रभारी की भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई? जी, अभी बीजेपी के प्रभारी के है जो विपुल देव, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है फिलहाल। अभी कुछ समय पहले ही है जो विपुल देव जी के साथ जो मीटिंग थी गोपाल कांडा की, वो खत्म हुई है और जैसे ही वो बाहर अभी आए थे तभी उनका ये बयान सामने आया। अब जो प्रदेश के जो प्रभारी है बीजेपी के, उनका अभी जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, वो अभी मीडिया के पीछे उन्होंने नहीं दिया है। जैसे ही कुछ प्रतिक्रिया आती है तो हम जरूर अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अरुण। लेकिन अपने आप में ये बड़ी बात है, जिस तरीके से मुलाकात का सिलसिला चल रहा है, मुलाकातों का दौर चल रहा है, मीटिंग का दौर जारी है, गठबंधन तोड़ने की क्या तैयारी है, इस तरह की बातें अब चल रही हैं। और इसी बीच आज ये एक और बैठक हुई है, एक और
जिस तरीके से चार निर्दलीय विधायक कल मिले थे बीजेपी के प्रभारी से, और आज भी ये मुलाकात सिरसा विधायक गोपाल कांडा के साथ उनकी हुई है। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव के आवास पर ये मुलाकात हुई। सिरसा विधायक गोपाल कांडा उनसे मिलने के लिए पहुंचे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्य रूप से गठबंधन को लेकर के भी चर्चा हुई है। इन दिनों गठबंधन को लेकर के सियासी बाजार गर्म है हरियाणा का। हरियाणा की राजनीति में गर्माहट लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी के शीर्ष नेतृत्व में बयानबाजी का दौर चल रहा है, उसी को लेकर के गतिविधियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। कल चार निर्दलीय विधायक मिले हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव से, और आज भी सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने उनसे मुलाकात की है। हलोपा सुप्रीमो, और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान मुलाकात चली, लंबी बैठक चली, लंबी चर्चा चली, करीब डेढ़ घंटे की यह चर्चा चली। और उसके बाद जब इस बैठक को खत्म करके बाहर आए विधायक गोपाल कांडा, तो उन्होंने साफ तौर पर गठबंधन को लेकर के यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले दिन से इस तरह से सरकार चल सकती थी बिना जेजेपी के भी, और अभी भी मेरी पार्टी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। इससे साफ तौर पर ये संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गठबंधन को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी को समर्थन है। कल विप्लव देव से मिले थे प्रदेश के चार निर्दलीय विधायक। चार निर्दलीय विधायकों ने भी चर्चा की और बीजेपी के प्रभारी से वो मिले। आप लोगों को मालूम ही है कि पहले दिन से मेरी तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट है। मेरी तो अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी है और उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आज वही प्रदेश के राजनीतिक उसके क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस की प्रभारी जी ने। तो जितना मुझे मालूम था कि क्या होना चाहिए वो सब मैंने बताया, और ये भी लगे हुए हैं मोदी जी की नीतियों को कैसे प्रदेश में लागू करें और सशक्त देश बने और हरियाणा बने। सर, माहौल जिस तरह का है, लगातार बयानबाजी बीजेपी और जेजेपी के चल रहे हैं। हम लोग मीडिया वाले ऐसे आकलन कर रहे हैं इस चीज़ का कि भाई इनके बिना भी काम चल जाएगा बिना जेजेपी के। इसलिए आपको लगता है बीजेपी सक्षम है निर्दलीय? आप तो और आपके देखो, बीजेपी तो पहले दिन से ही सक्षम थी। मेरी निगाह से पहले दिन से ही सरकार बनाते तो सक्षम थे, क्योंकि सारे निर्दलीय साथ ही हैं। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि सब सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो बाकी तो इन्होंने डिसीजन लेना है अपना, बीजेपी ने। और बिना जेजेपी के 5 साल चल सकती है सरकार, आपको लगता है? तमाम निर्दलियों के साथ आंकड़े तो हैं भाई साहब। देखो, ऐसा है कि पहले भी हुआ है, आपको पता है, ठीक है ना? और अब भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कभी भी चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बिल्कुल चल सकती है, इसमें कोई दो राय। रिकंसिडरेशन के लिए आप लोग जो इकट्ठे होकर बोल रहे हैं भाई, देखो मैं तो अकेला बोल रहा हूँ, ठीक है ना? मैं तो मिलने आया हूँ प्रभारी जी से। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि आज अगर जेजेपी ना हो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो भी सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं है। तो सुना आपने विधायक गोपाल कांडा का बयान। गठबंधन को लेकर के साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने आप में सरकार चलाने को लेकर के सक्षम है, क्योंकि तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं वो सरकार के साथ हैं। और इसी पर और ज्यादा चर्चा करेंगे। मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। मूलचंद शर्मा जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। मूलचंद शर्मा जी, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता भी और कैबिनेट में मंत्री भी हैं। सरकार चल रही है बीजेपी जेजेपी की गठबंधन में, लेकिन अब जिस तरीके से दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के जो बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे सर? क्या कुछ चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच? मेरा ये कि आज भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की दोनों की गठबंधन की सरकार है और पूरे प्रदेश में चली गई है जी। अब भी कोई विप्लव देव प्रभारी है, कोई भी मिल सकता है, विधायक मिल सकता है, विपक्ष का भी मिल सकता है। और विप्लव देव हमारे प्रभारी है, उनसे सब लोग मिलते हैं, विधायक भी पदाधिकारी भी। पर अभी सरकार चल रही है, सरकार बढ़िया चल रही है। नहीं, सरकार तो ठीक चल रही है मूलचंद शर्मा जी, लेकिन तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं, बस कोई स्पष्ट रूप से कहने को तैयार नहीं, लेकिन बयानों से अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है। जिस तरीके से उचाना विधानसभा सीट को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ,
बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव का जो बयान सामने आया कि ओचाना से मेरी दीदी चुनाव लड़ेंगी, और आज ही हालांकि डिप्टी सीएम भी उस पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं, वो भी बता चुके हैं कि किसी के पेट में दर्द है तो मैं क्या करूं, लेकिन आज ही निशांत सिंह भी कह रहे थे कि ये भाषा गठबंधन के खिलाफ है, तो इस इन तमाम बयानों को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखो, संगठन के लोग हैं, प्रभारी विप्लव देव भी, निशांत सिंह भी अपने प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और संगठन के लोगों को इस बारे में ज्यादा जानकारी है और मुझे इतनी जानकारी है जी। लेकिन मूलचंद शर्मा जी, संगठन में आगे आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, तमाम जो दोनों दलों के नेता हैं वो यही कह रहे हैं अभी तक तो कि सरकार बनाने तक ये गठबंधन था, कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के और विधानसभा चुनाव को लेकर के स्थिति साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि अकेले अकेले चुनावी मैदान में जाएंगे? समय की बात है, क्या होगा संगठन तय करेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े, ये कहते हुए नजर आए कि ये संगठन की बात है और संगठन ही बताएगा, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। लेकिन सिरसा से विधायक गोपाल कांडा का जो बयान सामने आया वो बेहद महत्वपूर्ण लग रहा है, इस ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से उन्होंने इस मुलाकात के बाद हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव के साथ जो मुलाकात हुई उसके बाद जो उन्होंने बात कही है वो बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी को निर्दलीय विधायकों का समर्थन है और पहले दिन से ही सरकार बीजेपी जो है वो सरकार चलाने में सक्षम है। दिग्विजय चौटाला जेजेपी के प्रधान महासचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय चौटाला जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। दिग्विजय चौटाला जी, क्या कुछ देख रहे हैं जिस तरह की बयानबाजी दोनों दलों में हो रही है, और अब हरियाणा बीजेपी के प्रभारी से निर्दलीय विधायक भी मिल रहे हैं? जी, लेकिन जिस तरीके की जो गठबंधन को लेकर के तैयारियां चल रही थी, ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी जेजेपी में जो गठबंधन हुआ वो सरकार चलाने के लिए तो हुआ ही है, लेकिन आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी ये गठबंधन हो सकता है, क्या ऐसी संभावनाएं लग रही है आपको? नहीं, मुझे तो, मैं तो सकारात्मक सोच रखता हूँ और सकारात्मक तरीके से सरकार चल रही है। जी, लेकिन जो उचाना को लेकर के जो बयान सामने आए, चाहे वो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी की बात करें या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें, आज भी निशांत सिंह का एक बयान सामने आया, वो कह रहे थे कि जो भाषा का इस्तेमाल बिप्लब देव ने किया है, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी ने किया है, वो गठबंधन के खिलाफ है, क्या आपको भी ऐसे लगता है? वो तो आप निशांत सिंह जी की आपने चलाई होगी भाई, वो हमारी पार्टी के अध्यक्ष है और वो कोई भी बात कहेंगे तो बड़ी जिम्मेवारी से। जी, और इसके अलावा मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान भी मेरे साथ बनी हुई है, वो भी कुछ सवाल आपसे करना चाहती हैं। ज्योति दिग्विजय जी, कल चूंकि चार निर्दलीय विधायक मिले, आज सिरसा विधायक गोपाल कांडा मिले, और गोपाल कांडा की ओर से कहा गया कि हम पहले दिन से बीजेपी के साथ हैं, एचएलपी साथ है, सभी निर्दलीय साथ हैं, और शुरुआत से ही बीजेपी को गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो अब जो उनकी बयानबाजी भी खुलकर सामने आ रही है, बिप्लब देव ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने एहसान नहीं किया, फ्री में आप लोगों ने समर्थन नहीं दिया था, तो क्या कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखा जा सकता है गठबंधन के लिहाज से बहुत जल्द? मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ है नहीं, मगर गोपाल कांडे जी को लगता है वो कर ले कोई फैसला, अगर वो ले सकते हैं, अगर उनको उनकी खैर लेने की है फिर तो ले। देखिए, इससे पहले कभी इतनी तीखी बयानबाजी नहीं देखी गई, कभी उचाना को लेकर दावेदारी, कभी ये कहना कि एहसान नहीं तो किया समर्थन देकर, और अभी टाइमिंग ये है कि निर्दलीय विधायकों को बुलाकर अलग अलग उनसे मिला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गणित तो बीजेपी नहीं सेट कर रही इस बात को लेकर कि हाँ हम अलग चल सकते हैं, स्मूथली सरकार चला सकते हैं 1.5 साल। वो बीजेपी बीजेपी का काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। गोपाल कांडा क्या कहते हैं, क्या वो बीजेपी का फैसला ले सकते हैं? तो ले लें। नहीं नहीं, वो तो अपनी राय दे सकते हैं, वो तो अपना बता सकते हैं कि हम सरकार के साथ हैं। राय तो राजनीति के अंदर राय तो चलती रहती है, 5 साल से चल रही है, लोग ये कहते थे 6 महीने भी सरकार नहीं चलेगी, लोग कहते थे साल भर नहीं चलेगी, राय तो अभय सिंह चौटाला कहते थे 3 दिन भी नहीं चलेगी। नहीं देखिए, विरोधियों ने तो बहुत कहा, लेकिन सीएम ने ये पहली बार कहा कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं। बिप्लब देव ने पहली बार कहा उचाना से दीदी जीतेंगी, या फिर ये कहा कि एहसान नहीं कि आप लोगों ने समर्थन दिया, मंत्री बनाया आप लोगों को, और उसके बाद ये फटाफट सिलसिलेवार बैठक होती है, जिसके बाद निर्दलीय विधायक भी कहते हैं हम सरकार के साथ हैं, तो ये गणित भी सरकार बीजेपी के साथ जाता नजर आता है, लगता है कि मंथन चल रहा है इस बात को कि राजनीतिक भविष्य क्या हो गठबंधन का हरियाणा में। उचाना से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ेंगे और जनता ने परमात्मा के रूप में आशीर्वाद देकर के सुख रखा तो वो चुनाव जीतेंगे, पीछे जितने जीते उससे ज्यादा।
अभय चौटाला का हमने इंटरव्यू किया कि दिग्विजय जी, उनकी ओर से कहा गया कि बार बार बेइज्जत किया जा रहा है बीजेपी को, दुष्यंत चौटाला को, लेकिन ये लोग फिर भी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं। जब तक इनके खिलाफ जांच नहीं की जाती, मुकदमे नहीं किए जाते, तब तक ये बाहर नहीं आएंगे सरकार से। अभय सिंह चौटाला थर्ड पार्टी, उनका कोई रोल ही नहीं है सरकार में, वो ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। आपने कहा कि हम भी तैयार हैं, तो अब जो जिस तरह की बयानबाजी है या जो बैठक हो रही है, आप लोगों को जाहिर है संकेत तो मिले होंगे कि सब कुछ अब ठीक नहीं है गठबंधन में, क्या तैयारी है आप लोगों की फिर? ना तो मेरी हैसियत, ना जिसका चैनल आप चला रहे हैं गोपाल कांडा की, किस पार्टी की सीनियर लीडरशिप फैसला करेंगी, दोनों पार्टियों की सीनियर लीडरशिप तय करेंगी क्या होना है भविष्य में, क्या होना है। नहीं दिग्विजय जी, देखिए आपको, आप अपना पर्सनल ओपिनियन कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम तो बयानों के आधार पर बात कर रहे हैं ना, जो बिप्लब देव ने कहा, जो सीएम ने कहा, जो आप लोगों ने कहा, हम तो उसी ग्राउंड पर आपसे बात कर रहे हैं। जी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ना तो दिग्विजय की हैसियत है, ना गोपाल कांडा की हैसियत है जेजेपी बीजेपी गठबंधन का भविष्य तय करना। अच्छा देखिए, इतनी इतनी बात तो बहुत क्लियर है कि बिप्लब देव की जिम्मेदारी क्या है, दिल्ली से हरियाणा के बीच की जो बीजेपी है, हाईकमान और हरियाणा बीजेपी के बीच एक सेतु का काम वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फीडबैक देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, और वो खुलकर जब दुष्यंत या जेजेपी के खिलाफ बोलते हैं, तो इतना तो है कि दिल्ली से चीजें तय होना शुरू हो चुका है। आप लोगों की मजबूरी है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको भी नहीं मानेंगे। और निशांत सिंह जी ने भी अपनी बात रख दी, उससे ज्यादा कहने की आवश्यकता जी। तो अगला, आप जिस तरह से ही बैठक है, आप जिस तरह की जो बयानबाजी है, तो अगला कदम आप लोगों का क्या कुछ होगा? आप लोग दोनों तरह की तैयारी करके चल रहे हैं, अकेले लड़ने की भी और साथ में लड़ने की भी? दोनों पार्टियां हर समय पे तैयारी करती रहती है और ये सब चीजें चलती रहती। दिग्विजय जी, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी बार बार आप लोगों को आईना दिखा रही? ओहो, ये कोई बात आप, मैं हरियाणा न्यूज पे तय थोड़ी होगी कौन किसको आईना दिखा रहा है और क्या हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल बयानों के आधार पर बात कर रही हूँ ना। सीएम ये कह दें कि आपने भी कहा कि वो ठाठ नहीं है, आपको भी लगता है ठाठ नहीं है, सीएम ये कहते हैं हमने जेजेपी की मानी नहीं, बिप्लब देव कहते हैं उचाना से दीदी जीतेंगी, या फिर आप लोगों ने समर्थन देकर एहसान नहीं किया, चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार तो हालांकि उनको आप काउंट नहीं करते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं आप लोगों के, तो ये हम कहाँ तय कर रहे हैं? आप बहुत सुलझे हुए नेता हैं, आप जानते हैं कि हम कहाँ तय कर रहे हैं? बयानबाजी होगी तो हम तो न्यूज दिखाएंगे ना, और उस पर आपके उसका भी आपका रिएक्शन ले रहे हैं हम। मैं आप मुझे कंसिडर कर रही अच्छी बात है, मगर मेरी हैसियत नहीं है ना कि मैं क्यों कुछ भी इससे कहूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बातें की विस्तार से। चलिए, दिग्विजय का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और कीमती समय उन्होंने निकाला, और तमाम जो बातें हैं वो कही हैं, जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से गठबंधन में खींचतान चल रही है बीजेपी और जेजेपी के नेताओं में, जो बयानबाजी चल रही है, हालांकि तमाम जो नेता हैं वो खुलकर कुछ भी कहने से फिलहाल कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई है न्यूज रूम से। ज्योति, क्या कुछ समझा जाए, क्या कुछ देखा जाए, जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के अब खींचतान जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और बीजेपी की तरफ से तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, भले ही जेजेपी बार बार ये कहती रहे कि पहले भी लोग बोलते रहे 3 महीने गठबंधन चलेगा, 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, 3.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पहले और अब में फर्क ये है कि पहले विरोधी दल बोलते थे, पहले इनेलो पार्टी बोलती थी, पहले कांग्रेस पार्टी बोलती थी, या बीजेपी के कुछ नेता जिसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार, वो समझ आता कि चूंकि उचाना में राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, आमने सामने का चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब सीएम की ओर से हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में जो कहा गया वो अब तक की सबसे बड़ी बात थी कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की सरकार नहीं, वो केवल हमारे सहयोगी हैं, हमने उनकी नहीं मानी है, हमने जो 3,000 का वादा किया था, जो कि बहुत बड़ा चुनावी वादा जेजेपी का था, उसे सिरे से खारिज कर देते हैं मुख्यमंत्री। उसके बाद देखिए बयानों का ये दौर लगातार शुरू होता है, क्योंकि हम इसके बैकग्राउंड में जाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां से ये सब शुरू हुआ। फिर दिग्विजय चौटाला का भी बयान आता है, वो कहते हैं कि एक आदमी ने ये कहा कि बीजेपी की सरकार के जेजेपी की नहीं, वो ठीक कहा उनकी ओर से, वो ठाठ नहीं है, हमें एक टीस है, तो ये तमाम तरह की बातें। बिप्लब देव उचाना को लेकर दावेदारी करते हैं दीदी प्रेमलता की। उसके बाद दुष्यंत कहते हैं किसी के पेट दर्द, हालांकि जेजेपी सफाई देती है कि वो वीरेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह या फिर प्रेमलता के लिए कहा गया था, लेकिन उसी बयान पर तीखा पलटवार करते हैं विप्लव देव कि उनके पेट में दर्द नहीं है और ना ही वो डॉक्टर हैं, लेकिन अगर उन्होंने समर्थन दिया तो हमने मंत्री बनाया था, उन्होंने फ्री में या हम पर कोई एहसान नहीं किया है। तो बातें इतनी खराब, खुलकर बयानबाजी कभी नहीं हुई थी, जेजेपी भले ही कुछ कहती रहे। निशांत सिंह की ओर से भी कहा गया कि गठबंधन का धर्म नहीं है इस तरह की बयानबाजी करना।
आप दुष्यंत को लेकर दिग्विजय फिर से दावा कर गए हैं, एक बार पहले भी 2 से 3 दिन पहले इनसे बात की थी तब भी कहा गया कि गठबंधन रहे ना रहे दुष्यंत उचाना से चुनाव जीतेंगे, अजय चौटाला भी ऐसा दावा कर चुके हैं। तो अब जेजेपी कितना ही इनकार करे, जेजेपी को भी संकेत तो इस बात के मिल चुके हैं कि बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि होगा, हो सकता है। अब इसको कैसे, क्या इसको संभाला जा सकता है, क्या अभी बैठकों का दौर चल रहा है, इसके पैरेलल भी कोई दिल्ली में जेजेपी की बड़े बीजेपी के बड़े नेताओं से बैठक हो सकती है, ये भी देखना होगा। तो अब ये बयान ये संकेत दे रहे हैं और बयानों के ग्राउंड पर हम बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक अब हलचल तेज हो गई है, बैठकों का दौर जारी है, उसी ग्राउंड पर हम ये चर्चा कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि गठबंधन में दरार तो कम से कम एक आ चुकी है जो कि सबके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, बयानों का सिलसिला भी लगातार जारी है और मीटिंगों का सिलसिला भी चल रहा है, क्योंकि निर्दलीय विधायक, कल 4 निर्दलीय विधायक मिले और आज सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की भी मुलाकात हुई है। एक बार फिर से इस बयान पर, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण विधायक गोपाल कांडा का बयान है, वो बयान अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो विधायक गोपाल कांडा की मुलाकात हुई है हरियाणा बीजेपी के प्रभारी नयनपाल रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, निर्दलीय विधायक हैं, सरकार को समर्थन भी कर रहे हैं। नयनपाल रावत जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। नयनपाल रावत जी, आप निर्दलीय विधायक चुने गए, उसके बाद से सरकार को लगातार समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन अब बीजेपी जेजेपी में खींचतान चल रही है, निर्दलीय विधायकों के साथ हरियाणा बीजेपी के प्रभारी की बैठकें चल रही हैं, आपसे अभी तक शायद मुलाकात नहीं हुई है हरियाणा बीजेपी के प्रभारी की, तो उसको लेकर के क्या आपको भी कुछ जानकारी है, किन बातों को लेकर के बैठकें चल रही? देखिए, जानकारी मुझे बस इतनी है कि भाई हम लोगों को मैसेज आया कि भाई आप लोगों को प्रभारी जी के साथ मिलना है, बैठक करनी है जी। और क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो मैं आज रात तक मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा और 8 से 9 बजे का मैंने समय दिया है कि 8 से 9 बजे तक मैं जो भी प्रभारी जी के साथ मुलाकात कर लूंगा। और बाकी तो सारे हरियाणा को पता है कि भाई आज के समय में भाजपा हमारी सरकार और अपने जेजेपी के साथ जो खींचतान चली हुई है जी। तो उसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो उसके साथ या राजनीतिक जो चर्चा है उसके लिए बात करने का जो ना समय होता है तो उसमें हमें शामिल होना होता है जी। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ प्रदेश में तमाम सियासी दल तैयारियां कर रहे हैं, आप भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो ऐसे में बीजेपी जेजेपी में जो खींचतान देखने को मिल रही है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या यहाँ गठबंधन को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकती है बीजेपी? देखिए, ये तो संगठन का विषय है भारतीय जनता पार्टी के जी। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और जो हरियाणा की भाजपा की जो सरकार है उसको समर्थन दे रखा है और पहले दिन से ही हमने जो ना बिना शर्त के समर्थन दिया है अपने लोगों के काम के लिए, अपने विधानसभा के काम के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। और क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक मैं समझता हूँ कि सबको साथ लेकर चलने वाले, हरियाणा एक हरियाणी के नाम पर जो काम करते हैं तो उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हमने उनको जो है ना समर्थन दिया हुआ है। और आगे बीजेपी जेजेपी में क्या होता है, उनको गठबंधन रखना चाहिए न रखना चाहिए, तोड़ना चाहिए, ये उनको देखने का विषय संगठन का है, सरकार का है, ये हमारा विषय नहीं है। हमने तो जो है ना सरकार को समर्थन दिया हो तो पूरे 5 साल सरकार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल नयनपाल रावत जी, जिस तरीके से आपने खुद ही कहा कि चर्चाएं हो रही हैं और आपको भी न्योता मिला है, आप आज शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन अगर आपसे राय मांगी जाती है इस गठबंधन के भविष्य को लेकर के तो आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सभी को अपनी अपनी राजनीति करनी, चुनाव में थोड़ा सा समय रह गया जी, 1.5 साल में समझता हूँ रह गया है, तो ऐसे वक्त में जाना तो ये सब लोग जानते हैं कि गठबंधन कैसे होता है, कैसे सरकार चलती है, फिर उसके बाद चुनाव अलग अलग होकर लड़ा जाता है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि उल्टा लेट हो गया, ऐसे एक साल पहले ही जिस प्रकार से हरियाणा में जो हमारा बदनामी का जो दाग है वो एक सफेद चादर वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर लगा हुआ है, वो पहले ही हट जाना चाहिए था जी। चलिए, बहुत शुक्रिया नयनपाल रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच रणधीर गोलन हमारे साथ जुड़ गए हैं, निर्दलीय विधायक है। रणधीर गोलन जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू ब्रदर। रणधीर गोलन जी, लगातार प्रदेश में जिस तरीके की सियासी हलचल देखने को मिल रही है, बीजेपी जेजेपी में खींचतान देखने को मिल रही है, इसी बीच आपकी मुलाकात होती है हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव से, क्या कुछ रहा सर उस बैठक में, किन मुद्दों पर चर्चा हुई आपकी? एक साल पहले विचार कर लेना। देखिए, जहाँ तक प्रभारी जी से मुलाकात की बात थी जी, एक शिष्टाचार भेंट थी, उनका मैसेज आया था भी मैं आपसे बात करना चाहूँ और हम 4 विधायक उनसे मिले हैं कल शाम को और उनकी जो बात करने का विषय था वो था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3री बार हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट कैसे जिताई।
ज्यादातर चर्चा उसी के विषय में हुई है जी, ज्यादातर चर्चा उसी के विषय में हुई जी। लेकिन आपने जिस तरह से हमारे को बुलाया, यहाँ लगता है भी जजपा बीजेपी का आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है, इसलिए बुलाया। लेकिन इस प्रकार की कोई बात उन्होंने हमारे से नहीं की, यानी कि बीजेपी जजेपी गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई इस पूरी बैठक में। कोई चर्चा नहीं इस विषय में, इस विषय को किसी ने शुरुआत नहीं करी, ना विधायकों ने करी ना उन्होंने की जी। बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीट जीतनी है जी, और मोदी जी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाना, तीसरी बार 10 की 10 सीट कैसे आएंगे, उस विषय में विचार विमर्श किया और हमने उनको बड़े विस्तार से बताया अगर आपको 10 की 10 सीट जीतने तो कार्यकर्ता के थोड़ा सा मनोबल ऊंचा करो जी। ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी, मेरे साथ लगातार बनी हुई है न्यूज रूम से, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही है। ज्योति, गोलन साहब मैं 2 से 3 बयानों का जिक्र करते हुए आपसे सवाल पूछूंगी। विप्लव देव ने कहा कि जेजेपी ने समर्थन देकर एहसान नहीं किया था। दूसरा, अभी नैनपाल रावत हमारे साथ थे, उनकी ओर से कहा गया कि गठबंधन को लेकर बीजेपी को करीब 1 साल पहले फैसला लेना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री की अच्छी छवि है और उनकी सफेद चादर पर गठबंधन में रहकर दाग लग रहा है। अभी गोपाल कांडा की ओर से भी कहा गया कि निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के साथ हैं, HLP भी बीजेपी के साथ हैं और बहुत आसानी से जेजेपी के बगैर सरकार चल सकती है। आपका क्या रिएक्शन होगा इन बयानों को लेकर? देखिए, अपना अपना बयान देने का अपना अपना अधिकार है सबको, लेकिन हम तो शुरू से 3.5 साल से जब से विधायक बने उसी टाइम से बीजेपी के साथ हैं, हर स्तर पर बीजेपी का साथ दिया है और 5 साल का माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से और भारतीय जनता पार्टी से वादा करा कि 5 साल आपका साथ देंगे। वो तो उन्होंने देखना, समझो रखना नहीं रखना दोनों दलों का विषय है। ज्योति जी, आप ये भी मानते हैं कि बगैर जेजेपी के सरकार चल सकती है, क्योंकि गणित तो देखिए बीजेपी के साथ है, 41 खुद के विधायक हैं, रणजीत सिंह हैं जो मंत्री भी हैं साथ में, 5 तो आप लोग निर्दलीय हैं, HLP विधायक गोपाल कांडा भी हैं, सरकार तो इस तरह की उसके बिना भी चलेगी सरकार, तो सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो मनोहर लाल जी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। जी, लेकिन रणधीर गोलन जी अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सरकार को आप समर्थन देंगे और इसका आपने वादा किया पूरे 5 साल का, लेकिन अब जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है बीजेपी जेजेपी में, क्योंकि आप भी सरकार में सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस गठबंधन का कोई भविष्य सकारात्मक दिशा में दिखाई दे रहा है? जहां तक मेरी सोच है अभी तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, जो गठबंधन अभी तो कोई टूटने वाली बात नहीं लगती मेरे को, तो व्यक्तिगत तौर पे नहीं, लेकिन जो तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो बीजेपी के प्रभारी की बात करें या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें, शीर्ष नेतृत्व है खुद सामने आके के इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए, प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं, कोई स्टेप तो नहीं उठा रहे हैं, न उधर से। देखिए, न बीजेपी वाले कोई निर्णय ले रहे हैं, न जैसे नहीं हो सकता है, इसीलिए बयानबाजी है ना, बयानबाजी चल रही है। रणधीर गोलन जी, भले ही आप जो भी कह रहे हैं उसमें आप अगर ये बात कह रहे हैं कि चर्चा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से PM बनाने के लिए, लेकिन सियासी गलियारों में तो इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि निर्दलीय विधायकों से ये पूछा जा रहा है, कोई मंत्री पद को लेकर के तो कोई चर्चा नहीं हुई है, इस तरह की बातें चल रही है? कोई नहीं, ये गलत बातें हैं, इस प्रकार की कोई बात नहीं, ना कोई चर्चा चली, ना किसी ने कहा, ना पहले गया था जब 3.5 साल पहले समर्थन दिया, ना अब गया किसी को जी, ऐसी चर्चाएं चल रही होंगी लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जी, बिल्कुल किसी स्तर पर भी बिल्कुल। ज्योति भी मेरी वरिष्ठ सहयोगी, वो भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है, वो कुछ और भी सवाल आपसे पूछना चाह रही है। जी ज्योति, पीछे अलग राहें आपकी हुई, अब चूंकि आप बीजेपी के संपर्क में तो हैं ही, लगातार समर्थन भी दिया, चेयरमैन भी रहे, आगे आपकी क्या प्लानिंग है 2024 को लेकर? देखिए ज्योति जी, मैं 1993 से बीजेपी में था और 3 बार मैंने बीजेपी से MLA का इलेक्शन फाइट किया, 3 बार लूज हो गया, लेकिन 2019 से मेरा टिकट काट दिया बीजेपी ने, मैं इंडिपेंडेंट जीत गया जी। और मेरी तो अभी अपनी जिस दिन मैं चुनाव जीता था उसी दिन से मैंने अगली तैयारी शुरू कर दी थी अगले चुनाव की, और छत्ती बरादरी के विश्वास पर, पुंडरी हल्के की जनता के विश्वास पर मेरी तो अभी तक निर्दलीय की तैयारी है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की तैयारी है, जबरदस्त तैयारी है ज्योति जी।
जी। बाकी तो समय बताएगा क्या समय होता है क्या क्या नहीं, वो तो टाइम बताओगे बहन जी। देखो लेकिन मेरी तैयारी चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ने की है। आप इनकार कर रहे हैं कि बैठक में गठबंधन से लेकर कुछ चर्चा नहीं हुई गठबंधन को लेकर, लेकिन आप भी जानते हैं कि सूत्रों के हवाले से बाहर चीजें आती हैं, मीडिया में बातें आती हैं। अब खबरें ये हैं कि निर्दलीय विधायक ये चाहते हैं जब हमारे साथ स्मूथली सरकार चल सकती है तो ऐसा क्यों नहीं, तो बगैर जीजेपी के निर्दलीय विधायक तो 3.5 साल पहले चाहते थे नहीं चलाई जी, 3.5 साल पहले चलाएंगे आपकी सरकार। अच्छा, लेकिन नहीं चलाई, हम तो चलवाओ। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि रणधीर गोलन का कहना है कि हम तो 3.5 साल पहले भी कहते थे कि अकेले निर्दलियों के साथ बीजेपी सरकार चला सकती है, लेकिन तब भी नहीं मानी थी, यानी अब भी इसी स्टैंड पे हैं, ये कहना है आपका। बिल्कुल ज्योति, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। रणधीर गोलन जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। सोमवीर सांगवान भी इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उनकी भी मुलाकात हो चुकी है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से। सोमवीर सांगवान जी आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। आपका और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवीर सांगवान जी आप सुन ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे जिस तरह की चर्चाएं अब चल रही हैं प्रदेश की सियासत में, और आपकी मुलाकात भी हुई है इसी बीच हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव से। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि इस बैठक का क्या कुछ पर्पज रहा, क्या मकसद था, क्या कुछ चर्चा हुई इस बैठक में? ऐसा एक शिष्टाचार के नाते मुलाकात थी जी, चर्चा हुई हरियाणा प्रदेश के सरकार के विषय में और क्या सुधार किया जा सकते हैं, जनता की भलाई में इस बारे में चर्चा हुई और गठबंधन को लेके माननीय विपुल देव जी ने कुछ नहीं कहा, कोई चर्चा नहीं करी, लेकिन हमने जरूर कहा जी कि समय का तकाजा है, अब बीजेपी ने जो है ना बीजेपी के गठबंधन तोड़ देना चाहिए। आपने जो अपना पक्ष रखा उसके पीछे क्या कुछ वजह उन्होंने जानने की कोशिश की होगी, क्या वजह बताई आपने? ऐसा है, वो सरकार का काम है, वो सरकार ने देखना है, हमने तो अपने व्यक्तिगत जो विचार थे अपने वो प्रकट कर दिए। नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन और लंबा चलते रहे तो उतना ही नुकसान बीजेपी को भोगना पड़ेगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि जेजेपी के साथ गठबंधन रखे रहने से क्या नुकसान बीजेपी को हो सकता है? ऐसा है, जो इनकी जो कार्यशैली थी, जनता ने इनको वोट दिया था, उसकी भावनाओं पर खड़े नहीं उतरे, उसके कारण जनता में रोष है जी, उसका असर आने वाले हैं जरूर करेगा। नहीं, सोमवीर सांगवान जी आप कह रहे हैं कि जनता ने जिस भावना के अनुसार इनको वोट दिया उस पर ये खरे नहीं उतरे, लेकिन सरकार में तो क्योंकि बीजेपी जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार चल रही है, आप कह रहे हैं कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ देना चाहिए बीजेपी को, तो वो बातें जो वादे हुए थे क्या वो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए? वादे भी पूरे नहीं है, जो उनकी जो कार्यशैली लोगों को हैरान नहीं हुई, जिस प्रकार का सिस्टम जो जैसे खड़ा कर रखा है, सबको पता है इस बात का, सरकार को पता है, जनता को पता है। थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि क्या कौन सी कार्यशैली की किस रवैये की आप बात करना चाह रहे हैं। हेलो जी, 1982 के इलेक्शन में चौधरी देवीलाल की सरकार भजनलाल जी ने तोड़ दी, लोगों ने उसी दिन मन बना लिया, रोष पैदा होया कि उसके बाद देखेंगे ये तो समाज है, ये किसी के साथ दगे को जो दगा होता है धोखा होता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और 1985 में तो 83 सीट दी बीजेपी ने, जो विश्वास करके लोगों से वोट ले थे, अब उम्मीद थी उसी प्रकार की उम्मीद तो बखरा न उतरने के कारण जो है जनता के साथ, जनता अपने आपको ठगाव महसूस करती है, उसका खामे आजाद जो है देश का जो नुकसान है गठबंधन होने के कारण बीजेपी को भी काफी नुकसान उसका झेलना पड़ा है, इसलिए समय है, अगर इसी टाइम ये गठबंधन जी बिल्कुल। लेकिन सोमवीर जी एक और छोटी सी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा आपसे, बीजेपी प्रदेश प्रभारी की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही थी आपके इस सुझाव पर? हेलो, आपके इस सुझाव पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी की क्या कुछ प्रतिक्रिया थी, मैं ये जानना चाहता। ऐसा है कि वो हमने अपने विचार प्रकट कर दिए, वो फैसला सरकार ने करना है जी, जैसे भी आदेश होगा उद्देश्य समझते हैं, अगर हमारी सलाह को ठीक मानते हैं तो विचार करते हैं वो, क्योंकि अभी ऐसा माहौल
जी पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है, इस प्रकार का विरोध आवास में ध्यान आ रहे हैं, स्वाभाविक है तो उसका जनता होने चाहिए, हो रही है पूरे समाज में, पूरे प्रदेश के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सोमवीर संगवान जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आपने भी कही। सोमवीर सांगवान निर्दलीय विधायक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि जो मुलाकात हुई उसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी की तरफ से नहीं बल्कि उनकी तरफ से ही ये सुझाव उन्हें दिया गया है कि जेजेपी से अलग जो है वो हो जाना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, निर्दलीय विधायकों का समर्थन सरकार को मिल ही रहा है।